नमस्कार, सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। देखिए, हम बीकॉम पार्ट फर्स्ट की एबीएससी पेपर सेकंड और अपना टॉपिक चल रहा था सांख्यिकी माध्य। कौन सा टॉपिक था? सांख्यिकी माध्य। देखिए, क्वेश्चन नंबर हम बात कर रहे हैं आज क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्वेश्चन हल करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 35 नंबर का क्वेश्चन आपको हल करा रहा हूँ। 35 नंबर क्वेश्चन, देखिए 35 नंबर क्वेश्चन दे रखा है। निम्न श्रेणी में, देखिए निम्न श्रेणी में, बहुलक मध्यका व समांतर माध्य, देखिए निम्न श्रेणी में बहुलक मध्यका और समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। आपको ये तीनों चीज कैलकुलेट करनी है। देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं, देखिए यहां दे रखा है साइज, में दे दिया 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और ये 20। क्लियर होगी? सारे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19 और 20। 20 तक आपका यहाँ पर क्लियर है। 20 क्लियर होगी? अब देखिए 20, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ये क्वेश्चन था साइज, दे रखी है और फ्रीक्वेंसी दे रखी है एफ, फ्रीक्वेंसी 40, 47, 57, 55, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174,
सबसे पहले बहुलक, किसका गणना? बहुलक का बहुलक की गणना, कैलकुलेशन ऑफ मोड। देखिए बहुलक की गणना करते हैं तो देखिए वैल्यू यहां पर आपको मालूम हो रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है। जब भी वैल्यू घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है, तो हम क्या करते हैं? समूहीकरण विधि से क्वेश्चन को हल करते हैं। कौन सी विधि से? समूहीकरण विधि। तो देखिए समूहीकरण विधि, यहां पर देखिए ये समूहीकरण में पहला ग्रुप हो गया, ये आपका सेकंड ग्रुप हो गया, क्लियर? सेकंड ग्रुप ये लो, ये आपका थर्ड ग्रुप हो गया, ये आपका फोर्थ ग्रुप हो गया, ये आपका फाइव ग्रुप हो गया, और ये आपका कौन सा ग्रुप हो गया? सिक्स ग्रुप हो गया। और ये यहां पर आपकी क्या हो जाएगी? टैली बार, क्लियर हो गया? ये लो टैली बार, ठीक है। अब देखिए वैल्यू, देखिए काउंट कीजिए। ग्रुपिंग मैंने बताया था, सबसे पहले ग्रुप बनाते कितने का? ये लो एक, दो दो के जोड़ों का ग्रुप बनाते हैं, क्लियर हो गया? तो देखिए 40 और 48 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 58। फिर 52 और 57 जोड़ेंगे तो 107, 60 और 63 130, 57 और 55, देखिए 57 और 55 112, फिर 50 और 52 102, 41 और ये 98, 63 और 52, 63 और 52 कितने हो जाएंगे? 63 और 52 117, 48 और ये 80। देखिए पहला ग्रुप तो त्रिकोण
ग्रुप बनाएंगे, देखिए येलो येलो 40 48 52, तो देखिए 40 + 48 + 52 140, फिर 57 60 63, 57 60 63, एक सौ अस्सी, 57 60 63, 57 55 50, 162, फिर 52 41 57, 150, 63 52 48, 163, 163, क्लियर? ग्रुपिंग कितने की बताएगी? ग्रुपिंग मैंने ये बताया था पहले दो का और एक छोड़कर दो का ग्रुप बनेगा, कितने का? एक छोड़कर दो का ग्रुप, ये लो। तो देखिए 48 और 52 100, 57 और 117, 63 और 57 55 और 50, 115, 52 और 41, 93, 57 63, 120, 52 48 वही 100, और ये आपके 40। फिर आप ग्रुपिंग बनाएंगे देखिए तीन तीन के, कितने देखिए तीन तीन के, तो देखिए तीन के ग्रुपिंग बनते हैं ये लो, ये 40 48 और 52, 140, 57 60 63, तो देखिए 57 + 60 + 63, 180, 57 60 63, 57 55 50, 57 55 50, 162, 162, 52 57 52 41 57, 52 41 57, 150, 52 41 57, 63 52 48, 63 52 48, 163, क्लियर? तीन के ग्रुप बन गए। अब क्या करेंगे? एक छोड़कर कितने का ग्रुप बनाते हैं? तीन का ग्रुप। एक छोड़कर कितने का ग्रुप बनाते हैं? तीन का ग्रुप बनाते हैं। एक छोड़कर तीन का ग्रुप, तो देखिए एक छोड़कर तीन का ग्रुप बनाएंगे, तो एक छोड़कर तीन का ग्रुप देखिए, एक छोड़कर तीन का ग्रुप, तो ये आ जाएगा 48 52 57, 48 52 57, 157, 60 63 57, 180, 60 63 57, 180, 55 50 52, 157,
तैतालीस सत्तावन तैस एक सौ इकसठ एक सौ इकसठ इकतालीस सत्तावन तिरसठ। देखिए ये तीन का हो गया, फिर ये तीन का ग्रुप हो गया, फिर ये तीन का हो गया, फिर ये तीन का हो गया, फिर ये तीन का हो जाएगा बावन अड़तालीस चालीस। बावन प्लस अड़तालीस प्लस चालीस एक सौ चालीस। ठीक, अब देखिए आगे यहाँ पर दो छोड़कर तीन का ग्रुप बावन सत्तावन साठ, बावन प्लस सत्तावन प्लस साठ वन सिक्सटीन है, बावन सत्तावन साठ तिरसठ सत्तावन पचपन, तिरसठ सत्तावन पचपन तिरसठ प्लस सत्तावन प्लस पचपन एक सौ पचहत्तर, तिरसठ प्लस सत्तावन पचपन पचास बावन इकतालीस, पचास बावन पचास प्लस बावन प्लस इकतालीस एक सौ तैयलीस, सत्तावन तिरसठ बावन सत्तावन प्लस तिरसठ प्लस बावन एक सौ बहत्तर, और ये टोटल होगा अड़तालीस। देखिए तीन तीन के दो छोड़कर तीन का ग्रुप, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर टेली बार करेंगे तो देखिए ग्रुप फर्स्ट में सबसे ज्यादा ये सॉल्यूशन आपका क्वेश्चन नंबर 35 का, ठीक है। देखिए सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, यहाँ पर सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है तिरसठ और फिर यहाँ तिरसठ। देखिए ये तिरसठ आ रहा है यहाँ पर एक टेली और एक तिरसठ यहाँ आ गया तो ये एक टेली। उसके बाद देखिए यहाँ पर सेकंड प्रायोरिटी में देखिए अट्ठावन एक सौ सात एक सौ तेईस और एक सौ तेईस, एक सौ तेईस में सबसे ज्यादा है साठ और ये तिरसठ। उसके बाद आ जाइए यहाँ पर एक सौ बीस, एक सौ बीस दो बार है तो ये लोग तिरसठ और सत्तावन और एक सौ बीस तिरसठ सत्तावन तिरसठ और ये सत्तावन। फोर्थ ग्रुप में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी देखिए यहाँ टोटल 180 आ रहा है और 180 में इंक्लूड तिरसठ साठ और ये सत्तावन। इधर आते हैं तो फिर 180 सबसे ज्यादा है, 180 में आपकी वैल्यू है साठ तिरसठ साठ तिरसठ पर। उसके बाद इधर आते हैं तो 175 तो 175 में तिरसठ तिरसठ ये पर। तो देखिए एक तीन छ तीन एक और एक और दो, तो देखिए सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी है वो किसकी है, ये देखिए पहली बार छह ज्यादा है तो छह इस तिरसठ के सामने जेड इक्वल टू नाइन। देखिए जेड जेड इक्वल टू नाइन आपका फाइनल आंसर रहेगा, जेड का मान कितना आ गया है नाइन आ गया। देखिए सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है, ये सिक्स सबसे ज्यादा है तो इसके सामने आप इधर देखिए सिक्स तिरसठ की वैल्यू टेली बार सबसे ज्यादा आ रहा है, इसके सामने ये वैल्यू दिखती है साइज नाइन तो ये नाइन आपका क्या होगा जेड होगा भवलक होगा। तो ये तो किसकी गणना होगी भवलक की गणना होगी। क्वेश्चन नंबर जो 35 था उसमें किसकी गणना होगी भवलक की गणना होगी। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 35 भवलक डिटरमाइन हो गया किस प्रकार से ग्रुपिंग की जाती है। यहाँ पे मैंने यहाँ थोड़ा यहाँ पे तीन के ग्रुप बना दिए थे, तीन का नहीं बनाना है आपको, पहले दो के ग्रुप बनाने हैं फिर एक छोड़कर दो का ग्रुप बनाना है फिर तीन का ग्रुप बनाना है फिर एक छोड़कर तीन का फिर दो छोड़कर तीन के ग्रुपिंग करनी है और फिर टेली बार किस प्रकार से करनी है ये आपको मैंने बता दिया। जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी उसको उसको टैली देंगे तो इसमें देखिए इसमें तिरसठ सबसे ज्यादा वैल्यू है तो दोनों को एक एक टैली दे दी अपन ने। उसके बाद सेकंड ग्रुप में सबसे ज्यादा वैल्यू आई थी 123 तो उसके 123 में देखिए 60 और तिरसठ इंक्लूड है तो उन दोनों को एक एक टैली दे दी हमने। उसके बाद हम थर्ड ग्रुप की बात करते हैं तो थर्ड ग्रुप में 120 दो बार है तो तिरसठ और सत्तावन को एक एक टैली दे दी और इस 120 में इंक्लूड है सत्तावन और तिरसठ तो इनको भी हमने क्या कर दी एक एक टैली दे दी। फाइव ग्रुप की तरफ चलते हैं तो यहाँ 180 और 180
तो एक एक टैली यहां पर भी हमने कर दी। तो ये आपकी ये बात क्लियर है, समूहीकरण विधि में किस प्रकार से, समूहीकरण विधि में किस प्रकार से बहुलक की गणना की जाती है, ये मैंने समझा दिया आपको, अच्छे से आ भी जाएगा। अब हम बात करते हैं, देखिए इसी विषय में किसकी मध्यकालीन कैसे कैलकुलेशन होती है। देखिए सीएल मध्यकालीन गणना, कैलकुलेशन ऑफ मीडियन, कैलकुलेशन ऑफ मीडियन और मध्यकालीन गणना करते हैं तो अपना फॉर्मूला था एम इक्वल टू साइज ऑफ एन प्लस वन अपॉन टू द
समांतर बाध्य की गणना। देखिए n इक्वल टू 835 हो गया और सिग्मा एफ एक्स, देखिए सिग्मा एफ एक्स इसका टोटल मैंने x बार का फॉर्मूला लिखा था आपको, सिग्मा एफ एक्स बटा n, ठीक है। यहां पर n की वैल्यू तो 835 क्लियर दी हुई है। तो देखिए एफ एक्स कैसे, देखिए ये x मानेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एफ एक्स हो जाएगा, तो 4 × 40 करेंगे 160, 5 × 48 240, 52 × 6 312, 57 × 399 और 8 × 60 480, 63 × 9 567, 10 × 57 570, 55 × 11 605, 50 × 12 600, 52 × 13 676, 41 × 14 576, 15 × 57 885, 63 × 16 63 × 16 1008, 17 × 52 884, 18 × 28 864, 19 × 40 760 और ये जी प्योर प्योर। अब इसका टोटल कीजिए, टोटल करेंगे तो देखिए टोटल में सबसे पहले 760 864 प्लस 864 प्लस 884 प्लस 1008 प्लस 855 प्लस 574 प्लस 676 प्लस 600 प्लस 605 प्लस 570 प्लस 567 प्लस 480 प्लस 399 प्लस 312 प्लस 240 प्लस 160, 9554। तो देखिए 9554 डिवाइड बाय 835 11.44 आंसर। देखिए 11.44 आपका किसका आंसर आ गया, समांतर माध्य का आंसर आ गया, क्लियर होगी बात। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 35 था जो हल हो गया सांख्यिकी माध्य आपका बीकॉम पार्ट फर्स्ट ईयर एबीएससी पेपर सेकंड का, यूनिट सेकंड चल रही थी और उसका चैप्टर था सांख्यिकी माध्य। इस चैप्टर से देखिए एग्जाम में 2% आते हैं, 2% बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 में से आपको 1 करना पड़ता है। इसमें पूछा जाता है एक्स बार एम और जेड, ये पर्सन में तीनों ही पूछी जाती है। तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कीजिए, वन बाय वन में सारे क्वेश्चन आपको हल करा रहा हूं। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो भी आप पूछ सकते हैं, क्लियर होगी बात। देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नांकित
प्रस्तुत समंकों प्रस्तुत समंकों का बहुलक ज्ञात कीजिए। किसका? निम्नांकित सारणी में प्रस्तुत समंकों का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक का निर्धारण करना है। देखिए क्वेश्चन दे रखा है, इसका सेकंड पार्ट देखिए, यहां पे दे दिए मार्क्स। नब्बे से 100, 80 से 89, 70 से 79, 60 से 69, 50 से 69, 40 से 49, 30 से 39, ठीक है। ये देखिए नंबर्स, नौ, 32, 43, 21, 11, 3 और 1। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा? 36 का सेकंड, 36 का फर्स्ट मैंने करा दिया था। अब देखिए इसमें किसकी गणना करना है? देखिए बहुलक की गणना, गणना कैलकुलेशन ऑफ मोड। किसकी गणना? मोड, कैलकुलेशन ऑफ मोड। देखिए बहुलक की गणना किस प्रकार की जाएगी? मैंने यहां लिख दिया क्या? मार्क्स। देखिए आरोही ये अवरोही क्रम में दे रखा है, तो इसे हम किस में करेंगे? अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम में दे रखा है तो इसे आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। और आ क्लियर हो गई बात? देखिए आरोही अवरोही में भी हम क्वेश्चन को हल कर लेंगे, लेकिन उसके लिए आपको अलग से फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो आपको ज्यादा क्वांटिटी में फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, उससे बेटर है कि आप एक फॉर्मूले से ही क्वेश्चन को हल कर लें। तो देखिए यहां पर मैं इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करूंगा, और देखिए जब भी बहुलक की गणना की जाती है आरोही क्रम में व्यवस्थित करूंगा, तो ये मेरा देखिए क्वेश्चन क्या बनेगा? 30 से 39, 40 से 49, 50 से 69, 60 से 69, 70 से 89, 80 से 89, और ये 90 से 100, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए समावेशी श्रेणी है, तो इसे हमें किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? अपवर्जी श्रेणी में परिवर्तित करना पड़ेगा। तो देखिए यहां पर मैं इसको समावेशी श्रेणी को किसमें कन्वर्ट करूंगा? अपवर्जी रूप में, इंक्लूसिव फॉर्म्स को किसमें कन्वर्ट करूंगा? एक्सक्लूसिव फॉर्म में। देखिए एक्सक्लूसिव फॉर्म, और एक्सक्लूसिव फॉर्म में कन्वर्ट करना बताया था। देखिए इधर देखिए 39 और 40 में अंतर इन जगह है, अंतर अंतर की बात करें तो एक, और इसका आधा करेंगे तो यह आएगा 0.5। तो देखिए 30 में से 0.5 घटाएंगे तो यह आ जाएगा मेरा 29.5, और इसमें जोड़ूंगा तो 39.5। वापस ये लो मार्क्स। ये तो मैंने क्या किया? आरोही, ये किसमें था? किसमें था? अवरोही क्रम में था, आरोही क्रम में व्यवस्थित किया है। क्लियर? समझाने के लिए बताया। आप देखिए 0.5 को इसमें घटाएंगे तो ये आएगा कितना? 39.5 से 49.5। ये 0.5 घटाएंगे तो 49.5 से 69.5, ये घटाएंगे तो 69.5 से 69.5, और ये घटाएंगे 69.5 से 79.5, और ये 79.5 से 89.5, और 89.5 से 100.5, ठीक है। अब यहां पर देखिए, यहां फ्रीक्वेंसी लिख लीजिए आप नंबर्स।
देखिए आरोही क्रम में लिखेंगे तो यहां आरोही क्रम में 1 3 11 21 42 32 और ये 9 क्लियर हो गया। अब देखिए आप इसको यहां से चाहे तो अब इसको मिटा दीजिए क्योंकि डबल बार आपको ये लिखने की जरूरत है। मैंने समझाने के लिए आपको ये बताया था, ठीक है, समझाने के लिए मैंने आपको बताया। अब देखिए मैंने बहुगत के लिए आपको फॉर्मूला लिखा है z z इक्वल टू l1 देखिए z z इक्वल टू l1 प्लस f1 माइनस f0 बटा 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इनटू r। ये मैंने आपको बताया कि z इस प्रकार से कैलकुलेट है। अब देखिए z चलो ये हो गया, अब यहां पर बात करता हूं, देखिए सब बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, ये कर रहा है क्लियर। तो ये यहां पर निरीक्षण इंस्पेक्शन मेथड फॉलो हो रहा है, कौन सा मेथड फॉलो हो रहा है, इंस्पेक्शन मेथड। और इंस्पेक्शन मेथड में देखिए ये लोग ये मैंने अंडरलाइन कर दिया, तो इससे मैंने क्या माना f1 माना, तो ये मेरी क्या होगी f0 और ये मेरी क्या हो जाएगी f2 क्लियर होगी बात। अब देखिए यहां तक क्लियर, अब देखिए यहां पर मैं लिख देता हूं बहुलक वर्ग और बहुलक वर्ग आया मेरा 59.5 से 69.5 ठीक है। तो L1 कितना आ गया 59.5 प्लस F1 का मान कितना है 21 माइनस F0 का मान यहां देखिए 11 दे देते हैं 11 बटा देखिए अब यहां पर 2 और F1 21 माइनस F0 F0 कितनी है 11 माइनस F2 और F2 कितनी है 43 ये लो 43 इनटू अंतर क्लास अंतर इन दोनों में क्लास अंतर कितना है 10 का अंतर कितने का है 10 का। देखिए आप इक्वल टू 59.5 प्लस ये कितना बचेगा 11 इनटू 10 ये 42 माइनस 43 माइनस 11 तो देखिए 43 ये सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी ये नहीं आया, देखिए सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 43 है 43 चूज करना पड़ेगा आपको, यहां पे ये वाली फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। देखिए इसे F1 मानेंगे, इसे F0 मानेंगे, इसे क्या मानेंगे F2 मानेंगे। देखिए यहां पर आपकी वैल्यू थोड़ा आप देखिए बहुलक वर्ग तो आपका क्या होगा, बहुलक वर्ग 69.5 से 69.5 से 79.5 होगा क्लियर हो गया ठीक है। अब देखिए यहां पर L1 कितना 69.5 प्लस F1 का मान है 43 माइनस 21 बटा 243 माइनस F0 21 F2 32 इनटू 10 दोनों में डिफरेंस 10 का है क्लियर हो गया। अब देखिए 69.5 प्लस ये कितना हो गया 22 इनटू 10 ये 6 और 8 86 और 21 और 32 हो गए कितने 53। देखिए 69.5 प्लस 2 × 10 डिवाइड बाय 86 माइनस 53 33। अब देखिए 69.5 में किसका डिवाइड करेंगे, 69.5 में हम बात करेंगे 220 का डिवाइड करेंगे 220 डिवाइड बाय 6.67 जोड़ दीजिए 69.5 प्लस 76.17 76.17 आपका फाइनल
आंसर होगा। डन। तो ये आपका क्वेश्चन मैंने यहाँ पर हल करा दिया, क्लियर है। बहुलक की गणना किस प्रकार से की जाती है? निम्नांकित सारणी में प्रस्तुत समूहों का बहुलक क्या कीजिए। तो ये बहुलक का निर्धारण अपना हो चुका है। अब देखिए एक और क्वेश्चन देख लीजिए। इसकी फ्रीक्वेंसी आपको 150 दे रखी थी, ये 120 दे रखी है, ये
70 दे रखी है, ये 50 दे रखी है। अब मध्य का भी गणना करेंगे तो सबसे पहले क्या बनाते थे, सीएफ बनाते थे, क्लियर हो गया, ये लो सीएफ। तो 120 और ये जोड़िए 380 और ये 304 530 0 3 और ये 550 और ये 720 और ये 800 770 एन का मान है 770। क्लियर हो गया, देखिए 120 और ये 380 और 150 530 और ये 0 5 650 70 720 और 50 770 हो गए। क्लियर हो गया, अब अपना एम का फॉर्मूला कहता है एम इक्वल टू साइज ऑफ एन बटा टू दी आइटम, यही था। देखिए एन का मान कितना है 770 अपॉन टू दी आइटम, तो 770 में दो का डिवाइड लीजिए, 770 डिवाइड बाय 2 385 385 द आइटम। देखिए 385 द आइटम क्लियर, तो 385 ये रहा, इसमें आ गया, इसको अंडरलाइन कर दिया हमने, क्लियर। अब यहां पे देखिए ये तो क्या होगा f और ये क्या होगा c, तो देखिए यहां पर अपना मध्य का वर्ग आ गया, मध्य का वर्ग क्या है 40 से 50। अब अपना m का फॉर्मूला था m इक्वल टू l1 प्लस i f n माइनस c, तो l1 40 आ गया, अंतर कितना आ गया 10 का आ गया, f का मान है 150, m का मान 385 आ गया और c का मान है 380। देखिए यहां पर 40 प्लस 10 डिवाइड बाय 150 इनटू 5, क्लियर हो गया। अब देखिए यहां पर 40 प्लस 50 डिवाइड बाय 150, तो 50 का 150 का डिवाइड कर दीजिए, तो देखिए 50 डिवाइड बाय 150 0.33 आ रहा है, तो इधर देखिए 40 प्लस 0.33 इक्वल टू 40.33 आपका फाइनल आंसर रहेगा, 40.33 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। किसका आंसर आएगा, मध्य का आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 37 हो गया, उसमें मध्य का की गणना होगी, किस प्रकार से मध्य का की गणना की जाए। अब इसमें बहुलक की गणना करनी है, तो देखिए बहुलक की कैलकुलेशन भी देख लीजिए आप, यहां मध्य का, अब यहां आ जाएगा बहुलक, बहुलक की गणना। अब देखिए बहुलक की गणना करेंगे तो देखिए ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, ये बढ़ घट गया, ये फिर घट गया, ये घट गया, ये घट गया, तो निरक्षण विधि अप्लाई होगी, तो इसको क्या मानेंगे हम, इसको अपन नोट कर देंगे F1, तो ये F0 और ये F2 और ये लो, तो अपना बहुलक वर्ग क्या आ गया, बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग आ गया अपना 30 से 40 बहुलक वर्ग आ गया, तो z इक्वल टू l1 प्लस f1 माइनस f0 बटा 2 f1 माइनस f0 माइनस f2 इनटू i। देखिए l1 का मान कितना है 30 था प्लस 30, f1 का मान 260 है, f0 का मान 120 है, 120 बटा, देखिए फिर 2f पर है, तो 2f1 का मान कितना है, देखिए 2 और f1 का मान 260 माइनस f0 वही 120 माइनस f2 की वैल्यू है 150 150 इनटू अंतर कितने का है 10, देखिए 30 प्लस ये बचा कितना 10 और ये 260 में से 120 ले दो 40 और 140 ये
20 820 और ये 270, तो देखिए 30 प्लस 140 1400 गए, बढ़ाओगे तो 520 में से 270 घटा दे, ढाई सौ। अब भाग दे दीजिए 30 प्लस 1400 डिवाइड बाय 250, 5.6 इक्वल टू 35.6 आंसर। 35.6 कितना रहेगा आंसर, रहेगा कितना 35। तो ये आपने बहुलक की गणना भी यहाँ पर कर ली है। ये आपका 37 तक मैंने क्वेश्चन करा दिया, नेक्स्ट क्लास में हम 38 नंबर क्वेश्चन लेंगे और उसको हल करेंगे।